हे गाइस, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक गैजेट्स में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मोस्ट यूजफुल गैजेट्स जो आपके छोटी मोटी से कामों को और भी ज्यादा आसान बना देंगे। और इनमें से कुछ गैजेट्स तो बजट रेंज में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी कर दीजिए। अगर आप भी गैजेट से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर रख लेना, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। वीडियो स्टार्ट करेंगे नंबर 1 वाटर लिली से। गाइज, स्मार्टफोन के यूजर्स तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे काफ़ी सारे काम तो स्मार्टफोन से ही होते हैं, लेकिन हमें उसकी बैटरी को भी चार्ज करना पड़ता है। वैसे तो हम लोग स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए यूज़ में लेते हैं पावर बैंक्स को, जो कि लिमिटेड पावर ही अवेलेबल कराती है, जिससे कि आपको ट्रैवलिंग करते वक्त आप अपने स्मार्टफोन को बार बार चार्ज नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये गैजेट को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये गैजेट एक ऐसा पावर सोर्स होता है कि यह कभी एंड ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें मिनी टर्बाइन मोटर लगी होती है, जिससे कि आप इसे पानी के फोर्स में रखकर या फिर हवा में रखकर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। इस गैजेट में 3 प्रोपेलर्स लगे होते हैं, जिससे कि इसे घुमाने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसके बाद इसके यूएसबी केबल को पावर बैंक में डालकर इजीली चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, और आप इसे लाइट को भी जला सकते हैं। और इस साइज में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, जिसे कि आप इसे अपने बैकपैक में भी इजीली कैरी कर सकते हो। नंबर 2 पर आता है लिंक यू वियरेबल चार्जिंग केबल। वैसे तो हाथ में रबर बैंड्स तो बहुत सारे लोग पहनते हैं, लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि जो बैंड्स आप अपने हाथ पर पहनते हैं वो आपके कभी काम आ सकता है? नहीं ना, और आएगा भी क्यों? क्योंकि वो बैंड को सिर्फ आप अपने स्टाइलिश दिखने के लिए पहनते हैं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब आ चुका है एक ऐसा बैंड जो आपके हाथ में स्टाइलिश लगेगा ही, और उसके साथ ही साथ आपको यूएसबी केबल भी प्रोवाइड करेगा। जी हाँ, चार्जिंग केबल प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये केबल खास करके चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके यूजर्स आप एनी टाइम एनीवेयर कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए आपको सिंपली इसे अपने हाथ से निकाल कर पावर बैंक में या फिर लैपटॉप में लगा देना होगा, जिसके बाद आप इसके टाइप सी पोर्ट से अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस, अब उस वाले बैंड को रख दीजिए साइड में और पहन लीजिए बैंड को। नंबर 3, टाइप सी मल्टीपोर्ट अडाप्टर। अगर आपके पास भी मैकबुक है तो आपको ये पता होगा कि उसमें यूएसबी पोर्ट्स की कितनी कमी होती है, क्योंकि इसमें एक या फिर दो ही यूएसबी पोर्ट्स दिए जाते हैं, और साथ ही एचडीएमआई पोर्ट्स तो वहाँ पर होता ही नहीं। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपोर्ट अडाप्टर का, जो खास करके मैकबुक यूजर्स के लिए बनाया गया है। वैसे तो आप इसका यूज़ विंडोज़ लैपटॉप में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे यूएसबी पोर्ट्स रखे होते हैं तो ये डिवाइस विंडोज़ यूजर्स के लिए काम नहीं पड़ता, लेकिन मैकबुक के लिए तो ये होना ही चाहिए। तो बात कर लेते हैं इस डिवाइस के बारे में। इस डिवाइस में आपको 3 यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, और उसके साथ ही साथ लैन पोर्ट भी मिल जाता है, जिसका यूज़ करके आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही इसमें टाइप सी पोर्ट और माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, जिससे कि ये डिवाइस आपके लिए कार्ड रीडर का भी काम करेगा। तो गाइज, अगर आप भी एक मैकबुक यूजर हैं तो आपके लिए गैजेट ज़रूर अपने पास रख लेना चाहिए। क्या अगर आप भी अभी भी पुराने वाले लालटेन का यूज़ करते हैं तो उसे रख दीजिए साइड में, और यूज़ करिए स्मार्ट एलईडी लाइट को, जो आपके स्मार्टफोन से वायरलेसली ब्लूटूथ की मदद से कनेक्टेड होती है, और फिर बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो भी चलती है। और इसमें काफ़ी सारे यूनिक फीचर को भी इनबिल्ट किया गया है, जिसे कि आप अपने स्मार्टफोन में आने वाली इनकमिंग कॉल्स या फिर नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, वो भी इसके ब्लिंकिंग फीचर्स के साथ। और अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं और आपको लाइटिंग वाले सेटअप में म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो आपके लिए एक म्यूज़िक लाइट भी हो जाती है। तो आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करके साउंड मोड, वीडियो मोशन करके एलईडी लाइट के साथ म्यूजिक का मजा ले सकते हैं, और आप रात के अंधेरे में अपने बाइसिकल पर इस लाइट को लगाकर अपने बाइसिकल को और एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। नंबर 5, नोमोडो। अगर आप कंप्यूटर वर्क स्टेशन पर लगातार काम करते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि टेबल पर रखी हुई चाय या फिर कॉफ़ी कई बार हम काम के टेंशन में पीना भूल ही जाते हैं, और वो ठंडी हो जाती है। लेकिन आप इस गैजेट को अपने टेबल पर रखेंगे तो आपकी कॉफ़ी अब ठंडी बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स भी आप कोल्ड रहेगी, जैसे कि फ्रिज में होती है। ये गैजेट आपके किसी भी पीने वाले ड्रिंक्स को मेंटेन रखता है, और आपको इसमें एक यूनिक फीचर भी देखने को मिल जाता है, वो है इसमें दिए गए वायरलेस चार्जर। जी हाँ, वायरलेस चार्जर, जिसे आप बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, और ये आपके वर्क स्टेशन पर कोई बड़ी जगह नहीं लेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज में आता है। इसे पावर देने के लिए आपको सिंपली इसमें दिए गए यूएसबी केबल के थ्रू इसे पावर देना होगा, जिसके बाद आप इसमें दिए गए बटन को प्रेस करके इसे स्विच ऑन कर सकते हैं। नंबर 6, प्रिंकर। गाइज, अगर आप बॉडी टैटूज के शौकीन हैं तो आपको ये गैजेट काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है,
क्योंकि वैसे तो टैटूज को बनाने के लिए हमें शॉप्स को जाना पड़ता है और वह काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ जाता है, जिससे कि बार बार टैटूज को चेंज करना मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब आ चुका है एक खास गैजेट जिससे कि आप अनलिमिटेड किसी भी डिज़ाइन के टैटूज को प्रिंट करवा सकते हैं और ये साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिससे कि आप इसे बॉडी के किसी भी पार्ट पर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। और इसमें से प्रिंट हुई टैटू आप सिर्फ एक ही दिन तक यूज़ कर सकते हैं, जिसके बाद आप इसे इजीली रिमूव कर पाएंगे। और इसे यूज करने के लिए आपको सिंपली इसके ऑफिशियल एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना होगा, जिसके बाद आप अपने स्मार्टफोन से टैटू के डिजाइन को कस्टमाइज करके प्रिंट करवा सकते हैं। तो गाइस, इस गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, एमपी। स्मार्टफोन में कितने भी स्मार्ट फीचर्स क्यों ना हो, लेकिन उन्हें यूज करने के लिए स्मार्टफोन की बैटरी चार्ज होना जरूरी है। और अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी ज्यादा नहीं चलती है तो फिर आपका आधा टाइम तो घर में लगे हुए स्विच बोर्ड के पास ही निकल जाएगा। तो अगर आप भी अपने टाइम को बचा कर रखना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पावर बैंक का, जिसे आप अपने पॉकेट में इजिली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसे काफी ज्यादा छोटा डिजाइन किया गया है और आप इसे अपने हाथ पर बैंड के जरिए बांध भी सकते हैं, जिससे कि आपको बाइसिकल राइडिंग करते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 8, प्रेसी। स्मार्टफोन में एयरफोन जैक में सिर्फ एयरफोन से नहीं लगाया जाएगा, बल्कि लगाया जाएगा ये वाला छोटा सा गैजेट जो आपके स्मार्टफोन को एक फिजिकल कंट्रोल देगा, क्योंकि इसे हैंड फ्री सॉकेट में डाल देने के बाद आप अपने फेवरेट ऐप को इसके दबाने से एक्सेस कर पाएंगे। वैसे तो आजकल तो काफी सारे एडवांस स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रहे हैं, जिससे कि स्मार्टफोन की सिक्योरिटी की टेंशन थोड़ी सी कम होती जा रही है, लेकिन स्मार्टफोन के साथ ही साथ आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा लीजिए इस गैजेट की हेल्प से, क्योंकि कोई हमारा भागते दौड़ते पीछा कर रहा है तो आप अपने स्मार्टफोन यूज करके किसी को भी नोटिफिकेशन सेंड नहीं कर सकते, लेकिन इस डिवाइस को लगा देने के बाद आप अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को इमरजेंसी में इन्फॉर्म कर सकते हैं और आप इस बटन की मदद से सेल्फीज को भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक बटन जो कि छोटा है, लेकिन इसके काम बहुत ही बड़े हैं। नंबर 9, जेट ड्राइव। लैपटॉप्स की बात आती है तो हमें ब्रांड्स के चलते मैकबुक ही पसंद आता है, लेकिन उसमें एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसमें इंटरनल स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा कम दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें SSD स्टोरेज को यूज़ करना पड़ता है, जो कि स्टोरेज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ जाता है, जिससे कि हमें परचेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो गाइज, अगर आपका बजट लिमिटेड हो तो और आप चाहते हैं अपने मैकबुक को अपग्रेड करना एक हाई स्टोरेज के साथ, तो आप यूज़ कर सकते हैं जेट ड्राइव का। ये दिखने में तो एक मेमोरी कार्ड की तरह दिखाई देता है, जिसके बाद आपके मैकबुक में एक एडिशनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जहां पर आप अपने फाइल्स या फिर फोल्डर्स को स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर इसकी डिजाइन की बात करी जाए तो ये डिवाइस मैकबुक में लगाने पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें अलग से SD कार्ड इंसर्ट किया गया है, क्योंकि इसे स्लिम्ड स्ट्रक्चर के साथ डिजाइन किया गया है। नंबर 10, लैपटॉप लॉकिंग सिस्टम। लैपटॉप जितने महंगे होते हैं उतनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑफिस में जब हम लैपटॉप को छोड़कर कहीं जाते हैं तो उस टाइम पर हमारा लैपटॉप चोरी होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो गाइज, अगर आप भी अपने लैपटॉप को सिक्योर रखना चाहते हैं तो ये खास गैजेट आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये डिवाइस एक लॉकिंग सिस्टम होता है जिसे आप कुछ इजी स्टेप्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें दिए गए डिवाइस को आपको सिंपली अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना होगा, जिसके बाद इसमें दिए गए केबल की हेल्प से पोल में डालकर आप अपने लैपटॉप को लॉक कर सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी है तो उसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर रख लीजिए, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। We'll be right back.